सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में ना बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आज की वीडियो में लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक से एक जबरदस्त क्लोज रेंज वाली क्लचेस। और हाँ गाइस, मैं सोच रहा था कि इस हफ्ते से मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट कर दूँ, तो इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अभी वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, मैं था स्नो विलेज में और गाइस यहाँ पे ना पूरे के पूरे चार बंदे मेरे ऊपर रश कर देते हैं। तो सबसे पहले तो यार ये लोग मेरे ऊपर नेड मोली फेंकते हैं पूरी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं स्मोक्स वगैरह करके एक रूम में बैठ जाता हूँ, और जैसे ही इनके नेड मोली खत्म होते हैं मैं सीधा रश कर देता हूँ। और कहीं अगर तुम लोगों को एक क्लच पसंद आया हो ना, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो का लाइक इन रखते हैं 15,000 लाइक्स का। खैर अभी मैं कूद जाता हूँ यहाँ पे मिलिट्री बेस में, और यहाँ पे ना मेरी थोड़ी लेट लैंडिंग हो गई थी, पर जैसे तैसे करके मुझे गन मिल जाती है। सबसे पहले तो मैं इस भाई की यहाँ पे शॉटगन चुराता हूँ, और जैसे ही मैं इसकी शॉटगन चुराता हूँ ना भाई, इसके टीममेट्स मेरे पे सीधा रश कर देते हैं। अभी सामने एक बंदा नॉक किया, तो फटाफट से रश करते हैं। और भाई छत के ऊपर भी बंदे कैंप करके बैठे हुए थे। अब जैसे तैसे यहाँ पे मैं हीलिंग तो कर लेता हूँ, पर भाई जैसे हीलिंग करता हूँ ना मेरे ऊपर भाई बंदे रश कर देते हैं। और भाई अभी देखना यहाँ पे गलत सीन होने वाला है। अब जैसे ही इन बंदों को मारता हूँ यहाँ पे मेरे ऊपर एक और टीम रश कर देती है। तो सबसे पहले तो मैं एक नेड बिन करता हूँ, भाई सीरियसली यार ये मेरी शॉटगन की तीन गोलियों में मरा है, और अगर मुझे इसकी दब दब की गोली लग जाती ना तो मैं पक्का यहाँ पे मर जाता। खैर अभी यहाँ पे जैसे जैसे इस बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया था, मुझे लगता है कि इनका लास्ट बंदा बाहर होगा, पर भाई ये निकलता है यहाँ पे बॉट, और इन लोगों के बाकी टीममेट्स यहाँ पे होते नहीं है, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और भाई अभी तुम एक बार ये सीन देखना, और भाई अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ दुनिया के सबसे बड़े कैंपर्स। तो भाई अभी यहाँ पे मैं स्क्वाड्स में आता हूँ, मुझे यहाँ पे फुटमार्क्स आते हैं बंदों के। अब यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि इनको M24 से मारूंगा। अभी यहाँ पे मेरे सामने होते हैं पूरे के पूरे चार बंदे। अब यहाँ पे मैंने तीन बंदे नॉक कर दिए थे, बचा था इनका लास्ट बंदा। और इसी के साथ लास्ट वाले बंदे का भी खेल खत्म कर देते हैं। अभी गाइस मैं जा रहा था पोचिंग की, तभी साइड में से मुझे बार्न हाउस में से ना एक बंदे का साउंड आता है, तो मैं यहाँ पे आके गाड़ी रोक देता हूँ। और अभी यहाँ पे देखना इन बंदों की कैसे कुटाई करूंगा। अब यहाँ पे हम भाई से थोड़ी बातचीत कर रहे थे, पर भाई इतने में ना चुपचाप से अपने टीममेट्स को बुला लेते हैं, तो अभी देखना। और भाई कसम से यार ये AKM की आयरन साइट है ना, कभी कभी धोखा दे जाती है, पर जैसे तैसे यहाँ पे मैं रिवाइव हो जाता हूँ, और जैसे ही मैं रिवाइव होता हूँ ना भाई ये बंदे मेरे पे रश कर देते हैं, तो अभी देखना। रेडी कर
तो भाई मैं था पोचिंग की में और यहाँ पे ना पूरी की पूरी स्क्वाड मेरे ऊपर रश कर देती है। तो भाई अभी देखना तुम्हारा भाई यहाँ पे सिचुएशन को कैसे संभालेगा। तो सबसे पहले तो थोड़ा कवर में आता हूँ क्योंकि बाहर विंडो पे भी एक बंदा आ चुका था। उधर से खेलो, पैसे से खेलो, कवर दे दो। और यार अभी तुम ना एक बार अपने भाई का एक कार स्प्रे देखना। अभी देखो यहाँ पे बंदे लैंड हो रहे हैं गाड़ी पे, तो मैं सबसे पहले तो सीमेंट्री के अंदर जाता हूँ और अंदर से मुझे मिल जाती है स्कारल। तो अभी देखना अभी यहाँ पे गन रिलोड करता हूँ और ये देखो अभी। तो भाई मैं आ जाता हूँ रिकॉल होके स्कूल अपार्टमेंट में और यहाँ पे जैसे ही मैं रिकॉल होके आता हूँ ना यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है। तो भाई सबसे पहले तो ये देखो तुम। अब जैसे ही मैं इस बंदे को यहाँ पे मारता हूँ ना पूरी की पूरी स्क्वाड गाड़ी लेके मेरे ऊपर रश कर देती है। तो मैं सबसे पहले तो एक नेट बिन करता हूँ। अब नीचे पूरे के पूरे चार बंदे कैंप करके बैठे हुए थे, तो भाई सीधी सी बात है नीचे रश करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं वेट करता हूँ कि ये मेरे ऊपर रश करें। और भाई अभी देखना बचा था इनका लास्ट बंदा, तो फटाफट से रश करते हैं। और भाई ये बेचारा यहाँ पे रिवाइव करता रह गया। खैर अभी यहाँ पे मैं होता हूँ अपार्टमेंट में और यहाँ पे ना पूरी की पूरी स्क्वाड मेरे ऊपर रश कर देती है। जैसे ही मैं इन बंदों को मारता हूँ ना इनका लास्ट बंदा रिकॉल होकर आ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं एक नेट बिन करता हूँ। और इसी के साथ लास्ट वाले का भी खेल खत्म कर देते हैं। अब यहां से होता हूं हमारे अक्षत भाई को नोकनेस डाल रहा है, तो अब तुम देखे थारा भाई कैसे बदला लेगा। मिक्स में हील कर रहा हूँ। मैं अंदर आ गया। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे बदलाव जाता है पूरा। खैर अभी मैं होता हूँ स्नो विलेज में और भाई यहाँ पे ना मेरे ऊपर पूरी की पूरी स्क्वाड बैठी होती है। अब यहाँ पे मैं अंदर आता हूँ हील करने के लिए, तभी इसके टीममेट्स मेरे ऊपर रश कर देते हैं। अभी मेरे नीचे बंदे थे, तो सबसे पहले तो मैं सीडीओ में यहाँ पे एक स्मोक फेंक देता हूँ। अभी सामने जोर जो पुल में बंदों ने चलाई होती है प्लेयर, तो फटाफट से मैं गाड़ी लेके पहुंच जाता हूँ। और ये मेरे टीममेट को पूरा फिनिश डालने के मूड में था। थैंक यू। अरे बाबू कहां बच के जाओगे। अभी जैसे इस बाबू को मैं फिनिश डालता हूं ना, इस बाबू के दो टीममेट्स मुझे ऊपर टावर पे चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हाँ,
ही हो रहा है। अबे ये नोटी कर दिया मेरे को भाई इन्होंने। एक और है उधर ही। अब जैसे ही मैं इन बंदों को मारता हूँ यहाँ पे एक और स्क्वाड आ जाती है। अभी यहाँ पे मैं लोग गया था तो सबसे पहले मैं हीलिंग करता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ वेयरहाउस में ताकि इनके ऊपर नेड कर सकूँ। अब बचा था इनका लास्ट बंदा और इसी के साथ इसका भी खेल खत्म कर देते हैं। अब इन तीनों को तो मैं यहाँ पे मार देता हूँ पर भाई इनका लास्ट बंदा ना भाई रिकॉल के लिए यहाँ से भाग जाता है और वो मिलता भी नहीं हमें। तो अभी मैं आ जाता हूँ जॉर्जो पुल में और भाई यहाँ पे ना दो दो टीम्स की फाइट हो रही थी तो मैं थर्ड पार्टी कर देता हूँ। एक बंदा सामने अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा है। अब यहां पे तुम्हारे भाई की एक ऐसी स्क्वाड के साथ फाइट होने वाली है जिसके हर एक बंदे के पास दबदब थी तो अभी देखना। अब यहाँ पे मैंने तीन बंदे नॉक कर दिए थे, इनका लास्ट बंदा ना मुझे पीछे से नॉक कर देता है पर भाई यहाँ पे ना मेरा टीममेट सही टाइम पे आ जाता है और ये मुझे यहाँ पे रिवाइव दे देता है और भाई अभी देखना तुम यहाँ पे कैसे बदला लेता हूँ। अभी एक बंदा यहाँ पे फटा, अब बचा था इनका लास्ट बंदा और इसी के साथ इस बंदे का भी खेल खत्म कर देते हैं। और भाई ये कैंपर तो कुछ भी नहीं थे, अभी तो मैं इनसे भी बड़े कैंपर दिखाता हूँ। अभी एक बंदा नॉक किया, अभी इसके बाकी के बंदे घर के अंदर कैंप करके बैठे हुए थे तो मैं वापस से ऊपर चढ़ता हूँ और भाई अभी देखना इनको कैसे मारूंगा। क्या कह रहे हो भाई, ये छोटे कैंपर थे, चलो इनसे भी बड़े कैंपर दिखाता हूँ। अभी गाइस ऊपर ना बंदे कैंप करके बैठे हुए हैं, मैं ऊपर एक नेड करता हूँ। मतलब भाई आजकल के बंदे खेलने से पहले कैंपिंग सीख जाते हैं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।